प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने एक बाइक चोरी का खुलासा किया है। ये बाइक चोरी कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। अपना भोजनालय यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जिसके बाद आरोपी उसको लेके गया आधी रात में और उसको पैदल ही बहादुरपुर ले गया। करीब 4 किलोमीटर तक वो पैदल लेके गया। इस पूरे मामले को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया था पुलिस ने अपने जो शहर में लगे हैं, उसके मुताबिक इस चोर तक पहुंचे और इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी गौरव पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। टीआई सीताराम चौहान भी मौजूद हैं। आप खुद सुनिए क्या कहा सीएसपी गौरव पाटिल ने। लगातार आप खबरों में बने रहिए, हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ये घटना हमारे यहाँ पे चोरी की घटना लगातार कुछ समय में अभी देखी गई, 3-4 घटनाएं घटनाक्रम हो चुका है। इसमें पुलिस के द्वारा भी प्रिवेंटिव की कार्रवाई एज वेल एज जो घटनाक्रम हो चुके हैं उसके संबंध में पूछताछ और पतासाजी भी कर रही है। इसी तारतम्य में एक पुलिस को सफलता हासिल हुई है कि एक बाइक चोर 13/1/2024 की रात्रि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपना होटल है वहाँ पे एक व्यक्ति शाजापुर से व्यवसाय के संबंध में आकर रुका हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल प्लेटिना एक व्यक्ति द्वारा कहीं ले गया था, उसके द्वारा सूचना दी गई थी थाना कोतवाली में। और जब हमने सीसीटीवी खंगाले और आसपास पता किया तो सीसीटीवी में एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति दिख रहा था, जिसका हमने सीसीटीवी के माध्यम से लिंक हम जब खोजते गए तो पता चला कि जो आरोपी है वो भादरपुर का निवासी है, जिसका नाम महेश पिता संतोष चौहान है। ये 34 वर्षीय है। इसके द्वारा बाइक जो चोरी करना अपराध कबूला भी गया और जिसे बकायदा गिरफ्तार इस उक्त अपराध में किया गया। जो है अपना लॉज जो हमारा कोतवाली थाना अंतर्गत है बस स्टैंड के पीछे, ये भादरपुर ढगेलते अपना ले जा रहा था, क्योंकि इसने बीच में प्रयास भी किए कि ये मोटरसाइकिल जो है चालू हो जाए वायरिंग करके, मगर इसके द्वारा नहीं हुआ तो इसने ढकेलते हुए अपना भादरपुर ले गया। हाँ, इस पे अपराध धारा हमने 379 का अपराध पंजीबद्ध किया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने खंगाला है। फिलहाल तो अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका मिला नहीं है, अगर हम अन्य जिलों में भी इसका रिकॉर्ड इससे मंगवाएंगे। फिलहाल बुरहानपुर में इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं। चोरी वगैरह की जाएगी कि क्या इसके द्वारा किसी अन्य चोरी वाले मामलों में इसकी क्या संलिप्तता है, और इसके सीडीआर वगैरह साइबर से जानकारी लेके ये भी पता लगाया जाएगा। ठीक है, बस कंडक्टर होने के साथ साथ ड्राइवरिंग का भी काम करता है। ठीक है, तो ये आया था घूमते फिरते। हमारे यहाँ क्या हुआ कि गश्त जो है, कल शायद आप लोगों को पता भी चला होगा, चोरी की घटनाएं जैसे हमारे यहाँ भी 3-4 हुई वारदातें, तो हमने कल रात में एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया है। कल मेरे द्वारा एवं शहर के चारों थाना प्रभारियों के द्वारा गश्त पार्टियां जो हमारी चलती हैं उसमें एडेड फोर्स हमने लगाया और स्वयं भी हम लोगों ने भ्रमण किया रात में। हमारा क्षेत्र चूंकि बुरहानपुर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, गलियां छोटी छोटी गलियां हैं, हमने कोशिश किया है कि छोटी छोटी गलियों में भी हमारी जो पुलिस की गश्त है वो प्रभावी रहे। इसके लिए हमने जो मोटरसाइकिल पार्टी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय किया है। तो जो एडिशनल फोर्स है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के थानों का भी बल है उसको भी हमने डिप्लॉय किया है। और हमारा जो सीसीटीवी जहां हमारे इवन प्राइवेट भी कैमरे लगे हुए हैं उसमें भी हमने अलग से एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है ताकि सीसीटीवी के माध्यम से भी उन पर नज़र रखी जा सके। और इसमें कुछ लोगों को ट्रैक भी किया गया है, जो हमारी पूर्व में जो चोरी हुई है उसमें कुछ संदिग्ध वगैरह भी हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, जो कि बुरहानपुर के ना होके कहीं बाहर अन्य जिलों के प्रतीत हो रहे हैं। तो उन पे भी हमारी अभी नज़र है और बिल्कुल हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द उनको भी अरेस्ट किया जाए।